हेलो आई पी स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है पाइथन पांडास डेटा फ्रेम। और पिछली जो टॉपिक था हमने उसमें डिस्कस किया था कि किस तरीके से डेटा फ्रेम को क्रिएट किया जा सकता है, डेटा फ्रेम क्या है, डेटाबेस का डेटा फ्रेम का यूज़ क्या है। तो ये टॉपिक्स डिस्कस हुए थे लास्ट लेक्चर में, आज हम इसे कंटिन्यू करेंगे और पिछली बार का थोड़ा सा पहले रिविज़न करते हैं। डेटा फ्रेम जैसे आप जानते हैं टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें डेटा रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में अलाइन रहता है। और इसके फीचर्स ये है कि ये इसमें डिफरेंट टाइप्स के कॉलम हो सकते हैं, ये म्यूटेबल है, इसका साइज़ बड़ा घटा सकते हैं हम, लेबल्ड एक्सेस होती है रोज़ की बात करें कॉलम की बात करें, और इसमें हम अर्थमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं रो वाइज या कॉलम वाइज। ये एक एग्जांपल दे रखा है आपका, ये डिस्कस हो चुका था। और जहाँ तक इसकी सिंटैक्स की बात है तो सिंटैक्स ये ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। आप देख सकते हैं कि 5 पैरामीटर्स दे रखे हैं, डेटा, इंडेक्स, कॉलम्स, डी टाइप और कॉपी। जहाँ डेटा आपको देना ही होगा, क्योंकि अगर आप डेटा नहीं देंगे तो एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट होगा, तो एम्प्टी डेटा फ्रेम का कोई मतलब नहीं है। हालांकि कोई एरर शो नहीं करता है लेकिन कोई सिग्निफिकेंस भी नहीं है उसकी। तो डेटा के बाद आपको इंडेक्स, बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती हैं, उसके बाद आपको कॉलम्स देने पड़ेंगे, तो कॉलम वैल्यू भी बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होती हैं। आप अगर आप डेटा टाइप मेंशन करना चाहें कॉलम्स का तो डी टाइप के थ्रू कर सकते हैं, अदरवाइज़ बाय डिफ़ॉल्ट कंसीडर किया जाता है। और लास्ट आता है कॉपी, कॉपी की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होती है। अगर आप कॉपी करना चाहें डेटा फ्रेम को तो कॉपी पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट पैरामीटर्स थे। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि जो डेटा है जो हम डेटा फ्रेम में पास करेंगे वो किस तरह का होगा। ठीक है, तो वो एक लिस्ट हो सकती है, वो एक डिक्शनरी हो सकती है, वो एक सीरीज़ हो सकती है, वो नंपाई हो सकता है, वो कोई दूसरा डेटा फ्रेम भी हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें कि हमें एम्प्टी डेटा फ्रेम बनाना है, तो हमने बताया जैसे अभी कोई डेटा वैल्यू हम पास ही नहीं करेंगे तो एम्प्टी क्रिएट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये लाइन जिसमें लिखा गया डी एफ इजिकल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम। नेक्स्ट आप इसमें देखिए एक लिस्ट डिक्लेयर की गई है और लिस्ट को एज ए पैरामीटर पास किया गया है इसके अंदर, मेथड के अंदर, डेटा फ्रेम मेथड है जिसके थ्रू डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। तो हमारा डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा बट डिफ़ॉल्ट इंडेक्स वैल्यू एंड डिफ़ॉल्ट कॉलम वैल्यू आप देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमने कॉलम्स के नेम दिए हैं तो नेम अपीयर हो रहे हैं, नेम नहीं देते तो नेम अपीयर नहीं होते, ये डिस्कस हो चुका था लास्ट। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करा रहा हूँ यहाँ पर, उतना डिटेल में यहाँ पर मुझे लगता है बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये कल डिस्कस हो चुका है। आगे देखिए, आगे अपने देखते हैं कि इसके अंदर अगर हम डिक्शनरी की, तो ये तो लिस्ट का था कि लिस्ट से किस तरीके से डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। अगर हम डिक्शनरी की हेल्प से करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और डिक्शनरी की हम जानते हैं कि जो पहचान है या डिक्शनरी जो हम डिक्लेयर करते हैं वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स को डिक्लेयर करते हैं और की और वैल्यू का कॉम्बिनेशन होता है डिक्शनरी में। ठीक है, और की जो होती हैं वो इम्यूटेबल होती हैं। तो इसके अंदर की देखिए, की हमने नेम लिया है और एज एक कीज़ है इसकी, और इसके रिगार्डिंग वैल्यूज़ दे रखी हैं, एक लिस्ट की फॉर्म में वैल्यू दे रखी हैं, मतलब ये है कि मल्टीपल वैल्यूज़ हैं कीज़ के रिगार्डिंग। तो जब हम देखें, जब हम इसे जब इसको हम एज ए पैरामीटर पास करेंगे डेटा फ्रेम में, तो हमारा ये क्रिएट हो जाएगा, आपका डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। और चूंकि ये अनऑर्डर्ड होता है डेटा फ्रेम, ये डिक्शनरी अनऑर्डर्ड डेटा टाइप होता है, इसीलिए यहाँ देखिए एज पहले आ रहा है, नेम बाद में आ रहा है, तो ये भी एक फैक्टर है इसके साथ। अब अगर इसके साथ हम इंडेक्स वैल्यू देना चाहें जैसे रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, तो वो भी पॉसिबल है। पिछली बार से बस इसमें ये चेंज होगा कि इंडेक्स वैल्यू जहाँ बाई डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट हो रही थी, 0, 1, 2, 3, 4 आ रही थी, वो 0, 1, 2, 3, 4 ना के, चूँकि हमने इंडेक्स को इंडेक्स एज ए पैरामीटर यूज़ किया है, उसके अंदर जो वैल्यू पास किए हैं रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, तो वो यहाँ पर अपीयर होंगी। चलिए, ये यहाँ तक पिछली बार हो गया था। अब आज का थोड़ा सा एक नया टॉपिक लेते हैं, क्रिएटेड डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। सो द लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज कैन बी पास एज अ इनपुट डेटा टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम एंड द डिक्शनरी कीज़ आर बाय डिफॉल्ट टेकिन एज कॉलम्स नेम्स। तो ये हम बात पहले डिस्कस कर चुके थे कि डिक्शनरी में जो कीज़ होती हैं वो हमेशा डेटा फ्रेम में कॉलम का काम करती हैं बाय डिफॉल्ट। ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, इसलिए आपने ज़्यादातर देखा भी होगा कि क्वेश्चन में, चूँकि रिविज़न चल रहा है तो आपको क्वेश्चन किए भी होंगे पहले, तो उसमें क्या है कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम क्या करते हैं कि हम डिक्शनरी के थ्रू ही डेटा फ्रेम को क्रिएट करते हैं। तो इसका एक एडवांटेज ये रहता है कि हम कॉलम पैरामीटर का यूज़ ना भी करें तो भी उसके कीज़ कॉलम्स का काम करती हैं। ठीक है,
हालांकि बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो से स्टार्ट होता है, लेकिन अगर उसका एक पर्टिकुलर नेम होगा तो वो कहीं ज़्यादा सही रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट ये था। चलिए अब देखते हैं, इसमें इस वाले प्रोग्राम को देखते हैं। सबसे पहले लाइन है इंपोर्ट पांडाज एज पीडी, ये असेंशियल है। पांडाज आपकी लाइब्रेरी है, और लाइब्रेरी ये ज़रूरी है डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए। जब तक हम इसको यूज़ नहीं करेंगे तब तक हम डेटा फ्रेम क्रिएट नहीं कर सकते, डेटा फ्रेम का कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इम्पोर्ट पांडास, सबसे पहले इस लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करेंगे और इसका एक ऑल्टरनेटिव नेम दे देंगे। हमने दे दिया यहाँ पर पीडी। तो जहाँ कहीं भी हमको इसको यूज़ करना होगा तो हम इसको पीडी से एक्सेस करेंगे, पीडी नेम से एक्सेस करेंगे। और उसका कोई मेथड होगा तो उस मेथड को हम पीडी डॉट मेथड नेम जो भी होगा उसके थ्रू एक्सेस कर पाएंगे हम इसको। फर्स्ट लाइन थी इम्पोर्ट पांडास एस पीडी, तो पी डी डॉट मैथड नेम इस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। और सबसे पहले चूँकि हम डेटा फ्रेम क्रिएशन की ही बात कर रहे हैं तो मैथड का नेम है डेटा फ्रेम, तो हम लिखेंगे पी डी डॉट डेटा फ्रेम। लेकिन उससे पहले डेटा होना चाहिए, क्योंकि डेटा को हमें ऐसे पैरामीटर पास करना पड़ेगा डेटा फ्रेम मैथड के अंदर। तो डेटा है देखिए, और ये डेटा है आपका, ये लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज की फॉर्म में है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, डिफरेंट डिक्शनरीज हैं और उनकी एक लिस्ट है। अच्छा, अब इसके अंदर देखते हैं। फर्स्ट अगर हम डिक्शनरी देखें, ये डिक्शनरी देखिए आप, तो इसमें क्या है, ए वन, ए क्या है यहाँ पर की, वन क्या है वैल्यू, बी टू, बी की है टू वैल्यू है। तो ए वन बी टू एक डिक्शनरी है जिसमें ए और बी आपकी कीज वैल्यू है, की हैं, और वन टू इसके रिगार्डिंग आपकी वैल्यूज़ हैं। सेकेंड अगर हम डिक्शनरी की बात करें तो इसमें ए बी सी थ्री इसके अंदर कीज़ हैं, और जो वैल्यूज़ हैं 5, 10, 20 ये वैल्यू है। अब होगा क्या कि जब हम इसको एज ए पैरामीटर पास करेंगे डेटा फ्रेम के अंदर तो ये ए बी सी कॉलम नेम बन जाएंगे, ठीक है, और जो इसकी वैल्यूज़ होंगी वो रो का काम करेंगी। देखिए इसका हमने फिर इसको हमने किया पी डी डॉट डेटा फ्रेम डेटा, डेटा एज ए पैरामीटर पास कर दिया हमने इसके अंदर, और फिर हमने इसको प्रिंट करा दिया, प्रिंट डी एफ डेटा फ्रेम को प्रिंट करा देंगे। प्रिंट कराने पर हमने देखा कि ए बी सी जो कीज़ थी, क्योंकि ये तो बिल्कुल फिक्स है कि कभी भी हम डिक्शनरी को जब डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं तो जो इसकी कीज़ होती हैं वो हमेशा कॉलम का काम करती हैं। तो कीज़ हमने दो डिक्शनरी यूज़ किया लेकिन दोनों में सेम की है। ये अलग बात है कि जो सी की है वो आपकी पहले डिक्शनरी का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। तो ए बी सी तो कीज़ हो गई। अब फर्स्ट की वैल्यू देखेंगे, फर्स्ट डिक्शनरी की वैल्यू देखेंगे, ए के रिगार्डिंग वन है, बी के रिगार्डिंग टू है, सी के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं है। तो चूंकि इसको एक रो की फॉर्म में हमें लिखना है तो हमने लिखा वन टू, और यहाँ पर लिखा एन ए एन। अब एन ए एन लिखा हुआ आएगा जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो अभी एन ए एन क्या है, एन ए एन का मतलब होता है नॉट ए नंबर, ठीक है, इसका मतलब है ये मिसिंग है एरिया, यहाँ कुछ नहीं है, इसके रिगार्डिंग कोई वैल्यू होनी चाहिए थी वो है नहीं, तो एन ए एन से रिप्रेजेंट होता है हमेशा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सेकंड को देखेंगे 5, 10, 20 ये वैल्यूज़ हैं, तो 5, 10, 20 ये वैल्यूज़ आ जाएंगे। अब इसको 15 में समझिएगा, जो वन है उसके साथ फाइव के साथ वो एक्चुअली इंडेक्स नंबर है, देखिए ज़रा, ठीक। तो इस तरीके से डेटा रिप्रेजेंट होगा। तो हम डिक्शनरी ऐसे भी बना सकते हैं जैसे बताएं, मतलब लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज की हेल्प से भी बना सकते हैं। तो ये भी एक मेथड है आपका डेटा फ्रेम क्रिएट करने का। चलिए एग्जांपल टू देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें क्या है, सेम एग्जांपल है लेकिन अब इसमें हमने क्या कर दिया कि इसमें हमने इंडेक्स भी ले लिया, इंडेक्स ऐसे पैरामीटर यूज़ किया। तो पिछली बार तो यूज़ नहीं किया था, तो लास्ट टाइम जब हमने यूज़ नहीं किया था इंडेक्स ऐसे पैरामीटर तो बाय डिफ़ॉल्ट 0, 1 से स्टार्ट हुआ था, जो मैं आपको बता रहा था कि उसको 15 मत समझ लीजिएगा, जो 1 है वो एक्चुअली इंडेक्स वैल्यू है। तो एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन वही है जहाँ पर एक कॉलम, प्रॉपर एक कॉलम नेम हो और प्रॉपर एक इंडेक्स वैल्यू हो वहाँ पर, ठीक है, जिसके थ्रू हम डेटा को बहुत आसानी से समझ सकें कि क्या है। जैसे फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए अगर आप दिखाना चाह रहे हैं तो फर्स्ट बना दीजिए आप इसको, तो सेकंड रिकॉर्ड को दिखाना चाह रहे हैं तो इंडेक्स वैल्यू सेकंड मेंशन कर दीजिए वहाँ पर। तो यही हमने किया है इसके अंदर, और एक पैरामीटर एक्स्ट्रा लिया है, आप देखेंगे इंडेक्स इज इक्वल टू फर्स्ट कॉमा सेकंड, ठीक है। तो अभी बाकी चीज़ें तो सब सेम थी, ऑल थिंग्स आर सेम आई थिंक। तो ए वन बी टू, ए बी सी, अगेन सी की वैल्यू फर्स्ट
डिक्शनरी में मिसिंग है तो एन एन शो करेगा, और सेकंड की वैल्यू है ही 5 10 20 तो उसको तो शो करना ही करना है, और जो फर्स्ट डिक्शनरी थी उसका जो एलिमेंट थे फर्स्ट रो के एलिमेंट कहलाएंगे, और जो उसके सेकंड डिक्शनरी के एलिमेंट थे वो सेकंड रो के एलिमेंट कहलाएंगे। अगर कोई थर्ड डिक्शनरी भी होती तो वो थर्ड रो बन जाती उसकी, ठीक है। कीज़ तो सेम ही रहती, कीज़ तो हमेशा कॉलम का काम करती हैं, लेकिन जो उसकी वैल्यू होती वो थर्ड रो में आपकी शो होती। तो एन ए एन है क्योंकि वहाँ सी की वैल्यू नहीं है फर्स्ट डिक्शनरी में, ये देखिए ए और बी दे रखा है लेकिन सी नहीं है कहीं भी, तो सी नहीं है तो सी की जगह ये दिखाएगा एन ए एन मतलब नॉट ए नंबर मिसिंग है यहाँ पर। तो ये था आपका सेकंड एग्जांपल, पिछली बार की तरह था, बस इसमें हमने चेंज ही कर दिया कि हमने इसमें रो के नेम ले दिए, रो के नेम है फर्स्ट और सेकंड, तो ये फर्स्ट और सेकंड लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर, अब थोड़ा सा और ज़्यादा ये हमें क्लियर आइडिया देता है। तो पिछली बार क्या था देखिए ज़रा, पिछली बार हमने इंडेक्स वैल्यू पास नहीं, इंडेक्स एज ए पैरामीटर यूज़ ही नहीं किया था, तो ये 0 और 1 से शो कर रहा था, ठीक है, डिफ़ॉल्ट जो होता है वो डिफ़ॉल्ट के थ्रू शो कर रहा था ये। लेकिन अब हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें फ़र्स्ट और सेकंड के थ्रू जब यूज़ किया तो ये अब डिफ़ॉल्ट शो नहीं कर रहा, बल्कि ये शो कर रहा है कि फ़र्स्ट क्या है और सेकेंड क्या है, फ़र्स्ट और सेकेंड से इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। चलिए आगे देखते हैं, अब इसमें हमने क्या करना है कि इसमें हमको करना ये है कि हम यहाँ पर इंडेक्स ले लिया हमने, विदाउट इंडेक्स तो देख ही चुके हैं, इस पर कॉलम भी लेते हैं, कॉलम्स ऐसे पैरामीटर भी यूज़ करते हैं, पैरामीटर्स का नाम है कॉलम, COLUMNS कॉलम्स, ठीक है। तो डिक्शनरी सबसे पहले तो वही लाइन लिखेंगे, इम्पोर्ट पांडाज एस पी डी एज यूजल हमेशा लिखते हैं, इसको लिखेंगे अब अगर आपको कभी डेटा फ्रेम क्रिएट करना है तो प्रोग्राम में आपको अपने उसके बाद डेटा, अब ये डेटा लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज़ है और 2 डिक्शनरीज़ हैं, और आई थिंक ये वही डिक्शनरी है जो पिछली बार हमने यूज़ की थी, तो वहाँ तक तो कोई चेंज नहीं है, ए बी इसके की है साफ दिखाई दे रहा है इसके अंदर, और सेकंड डिक्शनरी के अंदर ए बी सी की है, फर्स्ट डिक्शनरी के अंदर सी मिसिंग है, की भी मिसिंग है, उसके रिगार्डिंग वैल्यू भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक तो ठीक है। ये हमने एक लिस्ट ऑफ डिक्शनरी डिक्लेयर कर दी, आई थिंक इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है, पिछले 2 एग्जाम्पल में भी हमने सेम प्रोसीजर फॉलो किया था। अब आगे देखते हैं, अब हमने क्या किया कि हमने को एक एक्चुअली अब हम यहाँ पर 2 डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे, एक तो DF1 क्रिएट करेंगे और एक DF2 क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो पहले हमने DF1 क्रिएट किया, तो उसके लिए एक वेरिएबल ले लिया हमने DF1 और यहाँ पर पास किया डेटा, उसके बाद हमने इंडेक्स की वैल्यू दे दी फर्स्ट एंड सेकेंड, और हमने कॉलम की वैल्यू भी दे दी, कॉलम की वैल्यू दी ANB, ठीक है। दूसरा डेटा फ्रेम क्रिएट किया हमने, तो यहाँ पर हमने देखिए डेटा फ्रेम का नाम दिया DF2 और डेटा पास कर दिया इसके अंदर एज ए वैल्यू, एज ए पैरामीटर वैल्यू, इसके बाद इंडेक्स लिया फर्स्ट एंड सेकंड, और इस पर कॉलम थोड़ा सा चेंज कर दिया हमने, कॉलम इस बार लिया ए और बी ना लिखे, हमने लिया A, B1, फिर हमने प्रिंट कराया DF1 को और हमने प्रिंट कराया DF2 को, दोनों को हमने प्रिंट करा दिया, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि डेटा प्रिंट होगा, दूसरी बात ये क्लियर है चूँकि इंडेक्स दे रखा है तो वो भी प्रिंट होगा फर्स्ट एंड सेकंड। जो डाउट है वो इस केस में डाउट है कि अभी तक क्या था कि हम सेम कॉलम यूज़ कर रहे थे, हम जो डेटा फ्रेम यूज़ कर रहे थे उसमें कॉलम मेंशन ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि डिक्शनरी की जो कीज़ होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट डेटा फ्रेम के कॉलम बन जाते हैं, कॉलम का नेम होता है बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन इस बार तो हमने लिया है तो ए भी लिया है तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ए भी तो पहले से थे, लेकिन हमने सेकंड केस में ए और बी वन लिया है और सी मिसिंग है, सी हमने लिया ही नहीं, तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। देखिए ये आउटपुट आएगा, ठीक है, तो ये आउटपुट आएगा, तो चूँकि आपने 2 कॉलम लिए हैं तो पहली बात तो बस 2 कॉलम ही प्रिंट होंगे, अगर 3rd कॉलम डिक्शनरी में है भी तो भी वो शो नहीं होगा, पहली बात तो ये क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। सेकेंड थिंग ये है कि अगर आपने कॉलम नेम कुछ ऐसा लिया है जो एज ए की मेंशन नहीं है डिक्शनरी में तो उसके रिगार्डिंग कोई वैल्यू शो नहीं करेगा। देखिए B1 लिया, B1 है नहीं की, चूँकि B1 कोई की ही नहीं है तो उसके रेस्पेक्ट में जो वैल्यू होगी वो NaN से रिप्रेजेंट होगी, नॉट ए नंबर शो करेगा, तो ये भी एक फैक्ट है। तो यहाँ पर कंक्लूज़न क्या निकला, कंक्लूज़न यहाँ पर ये निकला कि जो कीज़ होती हैं डिक्शनरी की वो डेटा फ्रेम में कॉलम का काम करती हैं, बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम का काम करती हैं।
अब अगर हम एज ए कॉलम पैरामीटर डेटा फ्रेम में यूज़ कर रहे हैं कॉलम्स के नेम, और वो कॉलम्स के नेम्स डिक्शनरी की कीज़ नहीं है, जब हम किसी डिक्शनरी को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहे हैं तब, तो होगा क्या कि वैल्यू एन ए एन से शो होगी, ठीक है, और कोई कॉलम में ऐसा मेंशन और कोई कॉलम में मेंशन ही नहीं कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग कोई वैल्यू शो नहीं होगी। जैसे इस केस में ए बी की है, सेकंड डिक्शनरी में ए बी सी की है, लेकिन फर्स्ट डेटा फ्रेम में मैंने सिर्फ ए और बी प्रिंट किया, कॉलम को शो किया, कॉलम को डिक्लेयर किया ए एंड बी, तो सिर्फ ए एंड बी ही आएगा, सी नहीं आएगा, ठीक है। सेकंड थिंग कि जब हमने सेकंड डेटा फ्रेम क्रिएट किया, तो मैंने लिया ए एंड बी वन, ए तो है, बी लिखा, सी लिखा नहीं, और बी भी नहीं लिखा, बी की जगह हमने बी वन लिखा। अब बी वन एज ए की नहीं है, तो ये डेटा फ्रेम तो क्रिएट करेगा, लेकिन उसके रेस्पेक्ट में जो वैल्यूज़ होंगी उनको एन ए एन के थ्रू रिप्रेजेंट करेगा। तो ये एक फैक्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये आपकी, ठीक है। तो अक्सर हम करते क्या है कि जब हम डिक्शनरी क्रिएट करते हैं और उस डिक्शनरी को जब हम डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं, तो हम कॉलम नेम अक्सर नहीं लिखते, लिखते नहीं, कॉलम एज ए पैरामीटर यूज़ ही नहीं करते, क्योंकि की जो होती है बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम बन जाती हैं। लेकिन अगर आपको कभी ऐसा करना है कि आपको फिल्टर करना है डेटा, ठीक है, तो फिर आप वहाँ कॉलम नेम यूज़ कीजिए। तो कॉलम नेम यूज़ करने से क्या होगा कि बेशक डिक्शनरी में कुछ कीज़ होंगी, इनके रेस्पेक्ट में डेटा होगा, लेकिन अगर आपने कॉलम में उसे यूज़ नहीं किया है, तो वो डेटा फ्रेम का पार्ट नहीं बनेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, बाय डिफ़ॉल्ट तो बनता ही बनता है, उसमें आपको कुछ करना भी नहीं है, वो तो बन ही जाएगा, लेकिन अगर आपने कॉलम में मेंशन नहीं किया, तो वो उसे अवॉइड करेगा, छोड़ देगा उसको, उसको कंसीडर ही नहीं करेगा, वो डेटा फ्रेम का पार्ट ही नहीं बनेगा। तो मुझे लगता है कि ये बात अब थोड़ा क्लियर होगी होगी आपको। प्रैक्टिस कीजिएगा इसको, एक बार कंप्यूटर पर रन कराइए, प्रोग्राम को देखिए इसमें कि क्या होता है, और दो तीन एक्सपेरिमेंट करके देखिए अलग अलग तरीके से, तो वो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर आइडिया देंगे कि जो मैं बता रहा हूँ उसका क्या मीनिंग है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्रिएटेड डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ सीरीज, अब सीरीज़ की बात आ जाती है यहाँ पर, तो चूंकि सीरीज़ की बात आ जाती है, तो एक काम करते हैं, पहले सीरीज़ को ही डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक वैसे सीरीज़ आप सभी को पता होगा किस तरीके से यूज़ की जाती हैं, किस तरीके से क्रिएट की जाती हैं। तो पहले सीरीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो सीरीज़ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सीरीज़ क्या है ये समझ लीजिए, और एक्चुअली जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसमें यही है कि सीरीज़ कैसे क्रिएट करते हैं और डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं और फिर उनको एक्सेस कैसे करते हैं, तो यही फर्स्ट चैप्टर है, तो उसमें से डेफिनेटली आना तो है ही। तो सीरीज़ हालांकि बहुत सिंपल है, लेकिन चलिए एक बार फिर से रिवाइज़ कर देते हैं, आपको आइडिया रहेगा। सीरीज़ के थ्रू हम डेटा फ्रेम भी बना सकते हैं, और सीरीज़ और डेटा फ्रेम में क्या डिफरेंस है वो भी डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सीरीज़ कैसे अलग अलग तरीके से क्रिएट करते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। सीरीज़ फर्स्ट ऑफ़ ऑल इज़ अ वन डायमेंशनल लेबल्ड एरे कैपेबल ऑफ होल्डिंग डेटा ऑफ एनी टाइप, इट मे बी इंटीजर, इट मे बी स्ट्रिंग, इट मे बी फ्लोट, इट मे बी पाइथन ऑब्जेक्ट, सो द एक्सेस लेवल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड इंडेक्स। तो सीरीज़ आपका वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है, जबकि जो आपका डेटा फ्रेम होता है वो टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है, तो ये डिफरेंस रहता है। तो वन डायमेंशनल से हम टू डायमेंशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब दो अगर हम सीरीज ले लें तो उसे एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, ये अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले सीरीज़ की बात कर लेते हैं कि वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर को जो सीरीज़ है उसको कैसे क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले सिंटेक्स पता होना चाहिए, और सिंटेक्स में ऑफ कोर्स ये पांडास का ही पार्ट है, तो आपको सबसे पहले पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा, और सीरीज़ क्रिएट करने के लिए जो मेथड है उसका नाम ही सीरीज़ है, एस सी आर आई ई एस, सीरीज़ मेथड है। तो हम पांडा डॉट सीरीज़ करते हैं, जैसे डेटा फ्रेम में था हम डेटा पास करते थे, इसके अंदर भी हम डेटा एज ए पैरामीटर वैल्यू पास करेंगे, इसके अंदर इंडेक्स देंगे। अब देखिए कॉलम नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि कॉलम का तो कोई मतलब ही नहीं, कॉलम तो वन है, इसके अंदर एक ही है, तो चूंकि एक ही कॉलम है तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहता। ठीक है, डेटा फ्रेम के अंदर हम कॉलम भी पास करते हैं, डी टाइप और कॉपी, तो ये तो डेटा फ्रेम में भी सेम थे, ये इसमें भी है। डेटा टाइप, डी टाइप का मतलब डेटा टाइप, और कॉपी का मतलब बाई डिफॉल्ट की वैल्यू फॉल्स होती है, तो कॉपी अगर हम करना है तो हम ट्रू करेंगे, अदरवाइज हम इसको फॉल्स ही रहने देते हैं, कुछ करते नहीं इसके अंदर, हमें कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है इनफैक्ट। तो ये आपको लगेगा कि मैं डेटा फ्रेम पढ़ाने के बाद सीरीज़ पढ़ा रहा हूँ, सीरीज़ पढ़ाने के बाद डेटा फ्रेम पढ़ाना चाहिए था, देखिए क्योंकि ये रिवीजन चल रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसका आइडिया तो होगा सीरीज़ का। ठीक, पहली बात तो ये, दूसरी बात ये है कि डेटा फ्रेम एक इंपॉर्टेंट
कॉन्सेप्ट है, और एग्ज़ाम में डेटा फ्रेम से ही आने के चांसेस ज़्यादा हैं काफ़ी क्वेश्चन, और डेटा फ्रेम को डिटेल में डिस्कस करना ज़रूरी है। और डेटा फ्रेम क्रिएशन और सीरीज़ क्रिएशन दोनों ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट है, जैसे आप देख भी पा रहे होंगे सिंटेक्स यहाँ तक बात है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है डेटा फ्रेम जहाँ आपका टू डायमेंशनल है, आपका जो सीरीज़ है सिंगल डायमेंशनल है। सीरीज़ के लिए जो मेथड है वो डॉट, वो हम एस सीरीज़ ही लिखते हैं, और डेटा फ्रेम के लिए हम डेटा फ्रेम लिखते हैं, तो सीधी सी बात है। बाकी जहाँ तक पैरामीटर वैल्यूज़ की पास है, तो डेटा फ्रेम में चूँकि टू डायमेंशनल है तो कॉलम एक से ज़्यादा होंगी वहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉलम होता है, तो हम कॉलम एज ए पैरामीटर वैल्यू यूज़ नहीं करते, तो ये भी चीज़ देख लीजिएगा। चलिए, ये डेटा इंडेक्स, डेटा टाइप, कॉपी, ये सब वही है सेम। आगे देखते हैं सीरीज़ क्रिएट कैसे कर सकते हैं। सीरीज़ एक तो एरे की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं, सेकंड हम डिक्शनरी की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं, और थर्ड हम क्रिएट कर सकते हैं किसी स्केलर वैल्यू या कॉन्स्टेंट के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एम्प्टी सीरीज़ क्रिएट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपको जो आना चाहिए वो एम्प्टी क्रिएट करना आना चाहिए, ये कभी कभी पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि तो हम सीरीज़ और डेटा फ्रेम तो क्रिएट कर लेते हैं, जब एम्प्टी की बात आती है तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि एम्प्टी कैसे होगा। अगर डेटा नहीं पास करोगे तो एम्प्टी हो जाएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब उसके अंदर डेटा ही नहीं होगा तो एम्प्टी हो जाएगा, तो सीरीज़ मेथड तो यूज़ करो, पास कुछ मत करो उसके अंदर, तो वो एम्प्टी क्रिएट हो जाएगा, चाहे वो सीरीज़ की बात है चाहे वो डेटा फ्रेम की बात है। तो यहाँ देखेंगे, चलिए यहाँ हमने देखा इम्पोर्ट पांडास एस पी डी, एस इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज़, तो पी डी डॉट सीरीज़ लिखा आपने तो सीरीज़ क्रिएट हो जाएगी, फिर इसको प्रिंट कराएंगे तो उसके अंदर है तो कुछ नहीं, तो प्रिंट क्या होगा, तो जो भी प्रिंट होगा कम से कम वो ये बताएगा कि सीरीज़ है और ये एम्प्टी सीरीज़ है, कुछ आउटपुट ऐसे आएगा, ठीक है, तो ये एम्प्टी सीरीज़ है, इसका मतलब इसके अंदर कुछ है नहीं, और इसका डेटा टाइप भी बता देगा फ्लोट 64 है। अब आपने डेटा टाइप तो दिया नहीं, ये डिफ़ॉल्ट है इसलिए शो कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब एरे की हेल्प से कैसे क्रिएट करेंगे ये देखते हैं, तो एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, एक इंपोर्ट पांडास एस पी डी, इंपोर्ट नंबाई एज एन पी। अब इसको क्यों लिया इंपोर्ट नंबाई एज एन पी, नंबाई एक लाइब्रेरी है और जब कभी भी हमें एरे का यूज़ करना होगा तो नंबाई को तो इम्पोर्ट करना ही होगा, ठीक है, इसीलिए नंबाई को लिया गया है। तो हमें एरे की हेल्प से सीरीज़ क्रिएट करनी है, तो एरे के लिए जो मेथड है उसका नाम है एरे, ठीक है, और हम थर्ड लाइन देखिए, हमने लिखा डेटा इज इक्वल टू एन पी डॉट एरे, और एरे में हमने एज ए पैरामीटर हमने एक लिस्ट पास कर दी, और लिस्ट के वैल्यूज़ हैं ए बी सी डी, तो ये ए बी सी डी जो वैल्यूज़ हैं, जो लिस्ट की वैल्यूज़ हैं, वो एक्चुअली एरे की वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएंगी, ये होगा इससे, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें लिस्ट से थोड़ी ना कन्वर्ट करना है, हमें कन्वर्ट करना है एरे को सीरीज़ में। तो अब हम क्या करेंगे, वो एरे जो ना आपका वो आपके वैल्यू फीड हो गई आपके डेटा में, तो हम डेटा को एज ए पैरामीटर वैल्यू पास कर देंगे यहाँ पर, ये देखिए एस इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज डेटा, और जब हम इसे प्रिंट कराएंगे तो आउटपुट कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब इसमें जो इंडेक्स हैं वो बाई डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट हो रही है, देखिए 0, 1, 2, 3, और जो वैल्यू है वो ए बी सी डी है जो एरे की वैल्यू थी। तो इस तरीके से आप एरे की हेल्प से सीरीज़ क्रिएट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अगर आप इसमें इंडेक्स वैल्यू पास कर देंगे, सेम एग्जांपल है, हमने पहले एक लिस्ट ली, लिस्ट को सीरीज़ में कन्वर्ट किया, सीरीज़ को सॉरी लिस्ट को एरे में कन्वर्ट किया, एरे को सीरीज़ में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो लिस्ट को एरे में कन्वर्ट करने के लिए हमें नंपाई लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एरे जो मेथड है वो नंपाई के अंदर डिफाइंड है। हमने लिखा डेटा इज इक्वल टू एन पी डॉट एरे, और वैल्यू पास कर दी लिस्ट की, लिस्ट है एक ए बी सी डी, इसके एलिमेंट को पास कर दिया एज ए पैरामीटर, ए बी सी डी हो गया इसमें। अब इसकी जो वैल्यूज़ हैं आप देखेंगे यहाँ पर, आपका ये एरे क्रिएट हो गया, अब जो एरे क्रिएट हो गया उसका नाम है डेटा, डेटा को एज ए पैरामीटर पास कर दिया हमने सीरीज़ मेथड के अंदर, और इंडेक्स की वैल्यू दे दी, इंडेक्स की वैल्यू होगी 100, 101, 102, 103। इंडेक्स की वैल्यू नहीं देते हम तो ये बाई डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होता, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती वो कंसिडर होती, पर इसके अंदर हमने वैल्यूज़ दे दी हैं 100, 101, 102, 103, तो ये वैल्यूज़ इसमें अब इंडेक्स की वैल्यूज़ एज ए इंडेक्स वैल्यू कंसिडर की जाएंगी यहाँ पर। तो अब हमने ये आउटपुट देखा, ठीक है, हमने देखा 100A, 101B, 102C, 103D, ये वैल्यूज़ आ गई इसके अंदर, तो ये इसका सीरीज़ क्रिएट होगी लेकिन इंडेक्स वैल्यू के साथ जो हमने दी हैं। आगे देखते हैं, सेम था आई थिंक, बताने की ज़रूरत नहीं कुछ खास, सेम एग्जांपल ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। ये क्रिएट ए सीरीज फ्रॉम एन डी एरे, ओके,
इसको देखते हैं। चलिए, ये भी ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, सीरीज फॉर्म। अब तो हम अभी एरे के थ्रू तो सीरीज़ बनाना सीखे, अब हमें डिक्शनरी के थ्रू सीरीज़ बनानी है। तो डिक्शनरी के थ्रू कैसे बनाते हैं सीरीज़, तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि जहाँ पहले हमने एरे यूज़ किया था, अब एरे यूज़ नहीं करना, अब हमको वहाँ डिक्शनरी यूज़ करनी है। तो दो लाइन तो सेम रहेंगी, इम्पोर्ट पांडाज एस पी डी, इम्पोर्ट नंपाई एस एन पी। इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, इम्पोर्ट नंपाई एस एन पी, क्योंकि देखिए इसको हम तब ले रहे थे जब हम एरे, हमें एरे की रिक्वायरमेंट थी, हमें एरे क्रिएट करना था। अब एरे क्रिएट करना नहीं है, अब हमें डिक्शनरी क्रिएट करना है, डिक्शनरी के हेल्प से सीरीज़ बनानी, तो इसको मत लिखिए। लेकिन आप इसको लिखेंगे तो एरे भी शो नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कर लें, ठीक है, और उसका यूज़ ना करें, तो एरर दिखाएगा, वो एरर नहीं दिखाएगा, ठीक है। वो मार्क ज़रूर करके बताएगा आपको कि आपने इसको यूज़ नहीं किया, लेकिन एरर शो नहीं करेगा, प्रोग्राम आपका सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा, उस केस में भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने कुछ कुछ ऐसे ही अपनी सामान ले लिया आपने, कोई अपनी पसंद का, जिसको आपको यूज़ नहीं करना, तो इट डज़न्ट मीन कि उसके उससे आपको कोई नुकसान होने वाला है, ठीक है। वो आपका स्पेस ऑक्यूपाई करेगा एक्स्ट्रा, ठीक है, वो उसके लिए आपको अलग से कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, लेकिन उसका आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको कोई इसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर हमने किसी ऐसी लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कर ली जिसका हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारा मेमोरी में स्पेस तो ऑक्यूपाई करेगा, उसको हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा, उसका और कोई सिग्निफिकेंस रहेगा नहीं। तो आप उन्हीं लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कीजिए जिसकी आपको ज़रूरत है, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको इम्पोर्ट मत कीजिए। बहरहाल यहाँ हमने एक डिक्शनरी ली, डिक्शनरी का एलिमेंट आप देख पा रहे हैं, कीज़ हैं ए बी सी, ये कीज़ हैं, और की के रिगार्डिंग जो एलिमेंट है 0, 1 और 2। ये 0 को 0 ना लिखे, 0 पॉइंट लिखा है, 1 को 1 ना लिखे, 1 पॉइंट लिखा है। ये इसका मतलब ये है कि ये फ्लोट वैल्यूज़ हैं, और फिर हमने इसको एज ए पैरामीटर पास कर दिया। तो फ़र्क सिर्फ इतना है, जहाँ हमने पिछली बार एरे क्रिएट करके उसको एज ए पैरामीटर सीरीज मेथड के अंदर पास कर दिया था, इस बार हमने एरे की जगह हमने एक डिक्शनरी को एज ए पैरामीटर पास कर दिया। बस इतना फ़र्क है, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर। बाकी सीरीज़ एक मेथड होता ही है, पांडाज लाइब्रेरी है, ठीक है, तो हम पी डी डॉट सीरीज़ हमेशा लिखेंगे, और जो पैरामीटर के अंदर है तो हमने डिक्शनरी को पास कर दिया। अब इसको प्रिंट कराएंगे, जो भी हमने नाम दिया है सीरीज़ का, हमने नाम एस दे दिया सपोज, तो हम एस को प्रिंट कराएंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ना लास्ट में ये दिखा रहा है पर डी टाइप फ्लोट 64, तो डिफ़ॉल्ट टाइप है इसका। आगे चलते हैं एग्जाम्पल टू। तो एग्जाम्पल टू में क्या है, एग्जाम्पल टू में अगर हम इंडेक्स भी लेते हैं, इसको नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, ये लाइन है, तो इसको नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, हमने इंडेक्स वैल्यू दे दी, तो कॉलम तो नहीं दे सकते, कॉलम तो इसके अंदर होता ही नहीं है पैरामीटर जो डेटा फ्रेम में होता था, तो हमने इसके अंदर इंडेक्स वैल्यू दे दी, इंडेक्स दे दी बी सी डी ए, तो वो आपकी इसके बी सी डी ए ये आपकी इंडेक्स वैल्यू बन जाएंगी सीरीज़ की। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि आपने जो इंडेक्स वैल्यू ली वो ली बी सी डी ए, और जो डिक्शनरी की कीज़ हैं वो है ए बी सी डी, ए बी सी डी है ही नहीं, यानी आपने एक एक्स्ट्रा लिया है इंडेक्स वैल्यू। तो इसमें अगर आप आंसर देखेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी बहुत क्लियर। तो जब आपने डी के रेस्पेक्ट में वैल्यू शो कर रहे हैं तो एन एन दिखा रहा है, वही केस है कि जब कुछ है ही नहीं उसकी के रिगार्डिंग, कुछ वैल्यू ही नहीं है, तो एन एन ही शो करेगा, ठीक है। बी के रिगार्डिंग 1 शो कर रहा है, तो देखिए ए के रिगार्डिंग 0 था, बी के रिगार्डिंग 1 था, सी के रिगार्डिंग 2 था, जो हमने डिक्लेयर किया था वहाँ, और जो हमने कॉलम लिया है उसका ऑर्डर बी सी डी ई है, तो हमने कॉलम में जो कीज़ था उसका ऑर्डर चेंज कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि डेटा चेंज हो जाएगा, डेटा नहीं चेंज होगा। देखिए आप बी के रेस्पेक्ट में अभी भी 1.0 शो कर रहा है, क्योंकि बी की बी जो की है उसके रेस्पेक्ट में जो वैल्यू है 1 है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि डिक्शनरी अनऑर्डर डेटा सेट होता है, अनऑर्डर डेटा टाइप होता है, उसका कोई ऑर्डर नहीं होता, हमेशा की वैल्यू का कॉम्बिनेशन होता है, तो जो की है उसके रेस्पेक्ट में जो वैल्यू होगी वो हमेशा शो होगी। बी के रेस्पेक्ट में 1 है तो 1 शो होगी, हमने जब कॉलम नेम बी लिया है तो बी के रेस्पेक्ट में जो वैल्यू होगी वो शो होगी पहले, ठीक है, फिर सी के रेस्पेक्ट में शो होगी जैसा कि हमने सेकंड कॉलम ने लिया, फिर डी के रेस्पेक्ट में शो होगी। अब डी है नहीं, तो जब है नहीं तो फिर उसके रेस्पेक्ट में कुछ नहीं शो करेगा, एन एन शो करेगा, एन एन का मतलब होता है नॉटी नंबर। तो ये एक प्रोसीजर है, इसको बात को भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट करते हैं हम क्रिएट ए सीरीज़ फ्रॉम स्केलर। तो हम किसी स्केलर, कोई कांस्टेंट है तो उसकी हेल्प से ही बना सकते हैं। तो जैसे एक कांस्टेंट है नंबर 5, तो ना तो हमने लिस्ट ली, ना हमने डिक्शनरी ली, हमने एक नंबर ले लिया। तो होगा क्या कि अगर हमने ये इंडेक्स ले ली 0, 1, 2, 3, अब 4 इंडेक्स वैल्यूज़ ले ली हमने यहाँ पर,
तो अब वैल्यू तो हमारे पास एक है, तो वैल्यू जो होगी सभी इंडेक्स के लिए रिपीट हो जाएगी। ये देखिए, 0 के लिए 5, 1 के लिए 5, 2 के लिए 5, 3 के लिए 5, इस तरीके से, तो ये हो जाएगी आपकी। और दूसरी बात है कि हम अब ये तो सीरीज़ क्रिएशन हम सीख गए कि सीरीज़ कैसे क्रिएट होते हैं। सीरीज़ 3 तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, या तो एक एरे की हेल्प से, या डिक्शनरी की हेल्प से, या फिर एक कॉन्स्टेंट की हेल्प से। अगर हमें एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम जो पोजीशन होगी उसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और हम पोजीशन जानते हैं, फर्स्ट पोजीशन 0 से रिप्रेजेंट होती है, सेकेंड 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, इसी तरीके से आगे तक जाता है। अब सीरीज़ का नाम है एस, तो हमने S0 लिखा, इसका मतलब इसका फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है इसका, 1, तो 1 प्रिंट हो जाए। अब ये मत देखिएगा इसका इंडेक्स क्या है, ABCDE, हमने इसको इंडेक्स नेम ज़रूर दे दिया, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन होती है 0, वो फर्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो उसके थ्रू भी अगर मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ एलिमेंट को, तो हो जाएगा, ABCD के थ्रू भी हो जाएगा और डिफ़ॉल्ट इंडेक्स पोजीशन के थ्रू भी हो जाएगा। ये मेन कॉन्सेप्ट है। तो 0 पोजीशन पर 1, पहला 1 था एलिमेंट, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कॉलन 3, S कॉलन 3। S कॉलन 3 का मतलब है स्टार्ट वैल्यू यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट है, और हमें अप टू 3, अप टू 3 का मतलब है 0 को लेना है, 1 को लेना है, 2 को लेना है, 3 को नहीं लेते, क्योंकि तो जो लास्ट में होता है शो उसको हम कंसीडर नहीं करते। तो 0, 1, 2 पर जो भी एलिमेंट होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे। तो देखिए, 0 पर था 1, 2 पर था 1 पर था 2, और 2 मेमोरी लोकेशन पर था 3, तो प्रिंट हो जाएगा। ये जो इंडेक्स वैल्यू दे रखी है इनके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम -3 लेंगे तो हम जानते हैं -3 का मतलब होता है बैकवर्ड डायरेक्शन से -1 होता है, ये -1 होगा, फिर -2 होगा, और फिर उसके बाद -3 होगा, अप टू सो ऑन। तो -3 का मतलब हो गया यहाँ पर ED C, सी हो गया, तो स्टार्ट वैल्यू सी होगी, तो सी से लेकर लास्ट तक, क्योंकि लास्ट में कॉलन के बाद कुछ नहीं दे रखा, इसका मतलब जब तक एलिमेंट होंगे तब तक जाएगा। देखिए, 3, 4, 5 प्रिंट हो जाएगा, और विद इंडेक्स वैल्यू CDE, ठीक है। और अगर हम ये इंडेक्स वैल्यू की जो हमने दे रखी है इनकी हेल्प से एक्सेस करना चाहें, तो वो भी कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, जो हमने नेम दिया इंडेक्स का उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो अगर हम ए के थ्रू करना चाह रहे हैं, तो हमने लिखा एस और सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर लिखा इंडेक्स वैल्यू का नेम ए, तो जो इंडेक्स वैल्यू ए है वो फर्स्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, 1 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 1 यहाँ पर शो हो जाएगा। तो ये सीरीज़ के बारे में था। आप और एक से ज़्यादा देखना चाह रहे हैं तो ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर एक लिस्ट डिक्लेयर कर दीजिए इंडेक्स की, ACD, तो ACD के रेस्पेक्ट में वैल्यू आ जाएगी। मेन पॉइंट ये है कि हम जब सीरीज़ के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, तो हमने अगर इंडेक्स वैल्यूज़ दे रखी है तो उसके थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, और इंडेक्स वैल्यू नहीं दे रखी, ठीक है, तो जो डिफ़ॉल्ट इंडेक्स वैल्यू होता है उसके थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं और इंडेक्स वैल्यू के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। आई थिंक सीरीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ये सीरीज़ था। नेक्स्ट टाइम हम डेटा फ्रेम का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसे कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।